ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी तो युति ने उठाया खौफनाक कदम। अखिलेश यादव ने ली गंगा मैया की कसम, सत्ता में आने पर सार्वजनिक करेंगे जातियों के आंकड़े। कुंभ में डुबकी लगाकर कांग्रेस में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। अब खबरें विस्तार से। मंगेतर ने रिश्ता तोड़ने की दी धमकी तो युति ने उठाया खौफनाक कदम। यह घटना ग्वालियर की दर्शाई जा रही है। मंगेतर ने जब रिश्ता तोड़ दिया तो झांसी से आई युति दुखी होकर रात 2 बजे खुदकुशी करने सागर तार पहुँच गयी। वहाँ कोई आत्मघाती कदम उठा पाती तो उससे पहले पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल युवती को निगरानी में लेकर काउंसलिंग की, साथ ही मंगेतर को थाने में बुलवाया और पुलिस ने समझा बुझा कर दोनों की शादी 19 फरवरी को कर दी। अखिलेश यादव ने ली गंगा मैया की कसम, सत्ता में आने पर सार्वजनिक करेंगे जातियों के आंकड़े। प्रयागराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए हैं। कल प्रयागराज दौरे में उन्होंने संगम तट पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही केंद्र सरकार के लिए किला दान में मांग लिया है। इसी दौरान उनके साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत गिरी भी मौजूद थे। कुंभ में डुबकी लगाकर कांग्रेस में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगे प्रियंका गांधी। लखनऊ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खुद को जनेऊ धारी हिंदू बताने के बाद अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी स्पॉट हिंदुत्व की राह पर है। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद वह मौनी अमावस 4 फरवरी या 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखें।